Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss the topic depreciation. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है एंड फिर हम सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन की जरूरत क्या है हमारे लिए. ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या है. आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. आप मेरे को एक बात बताइए कि आप सपोज एक कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, आपको पता होगा कि फिक्स एसेट्स क्या होता है. अब मेरी बात सुनिए, फिक्स एसेट्स जो होता है उसी पे हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन. आप बोल सकते हैं फिक्स एसेट्स मतलब टैंजिबल एसेट्स भी आप बोल सकते हैं. अब आप बोलेंगे मैंने टैंजिबल एसेट्स क्यों बोला, बिकॉज याद रखिएगा एक टैंजिबल एसेट्स होता है, एक हमारा होता है इनटैंजिबल एसेट्स. तो मेरे को बताइए इनटैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है. इनटैंजिबल एसेट्स में आपका गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, बहुत सारी चीजें आ सकती है. उस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, उस पर हम एमोर्टाइजेशन करते हैं, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. तो मेरे को बात बताइए कि जो डेप्रिसिएशन है वो हम किस पे लगाते हैं, हमारे फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं जो कि टैंजिबल एसेट्स होते हैं. टैंजिबल में सब लोग टच कर सकते हैं, लाइक आप बोल सकते हो फर्नीचर, कार, बिल्डिंग, मशीन, ये सारी चीजें में हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन. अब आप बोलोगे ये तो बताइए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स. मैंने क्या क्या कहा कि डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं फिक्स एसेट्स पे. डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, फॉल इन द वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स. मतलब जो भी हमारा फिक्स एसेट्स है, लाइक आप बोल सकते हो बिल्डिंग हुई, हमारा मशीनरी हुआ, जो भी हमारे जो फिक्स एसेट्स है उसका जब फॉल होता है, वैल्यू कम होती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. एक चीज याद रखिएगा, जो लैंड होती है ना हमारी, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर मेरे पास कोई प्लॉट ऑफ द लैंड है, लैंड पड़ी है, कभी भी आप सुनोगे नहीं उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो डेप्रिशिएट हो रही है. लेकिन आप याद रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक फर्नीचर खरीदा है, तो मेरे को बात बताइए जब आप फर्नीचर खरीद रहे हो, आज जो उसकी वैल्यू है, आप उसको 1 ईयर 2 ईयर या आफ्टर 6 मंथ जब यूज कर लेंगे, तो मेरे को बात बताइए उसकी वैल्यू क्या उतनी ही रहेगी, नहीं रहेगी. बिकॉज हम उसको डेली यूज कर रहे हैं, उस पर बैठ रहे हैं, तो कंटिन्यूसली क्या होगा, उसके वैल्यू कम होती जाएगी, वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. जो वैल्यू डिक्रीज होगी ना, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट. ठीक है ना, आपको समझ आया डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू. अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये वैल्यू जो फॉल हो रही है, चाहे वो हमारी फर्नीचर पे हो, चाहे हमारे बिल्डिंग मशीनरी पे हो, या आखिर होता क्यों है, इसका रीजन क्या है. याद रखिएगा इसका रीजन है हमारा वियर एंड टेयर ऑफ द एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल आप जो फर्नीचर अगर आपने खरीदा है, तो आप उसे रोज यूज कर रहे हो, उस पर आप बैठोगे, वो फर्नीचर थोड़ा बहुत तो खराब होगा, वियर एंड टेयर हो रहा है, कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, वो कहीं से कुछ खराब हो गया, कहीं फट गया, तो वो क्या हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं वियर एंड टीयर. वो वियर एंड टीयर ऑफ द एसेट्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस यूज. नेक्स्ट है हमारा पैसेज ऑफ द टाइम. पैसेज ऑफ द टाइम मतलब वही जो टाइम गुजर रहा है, आपने आज खरीदा, 1 ईयर हुआ, 6 मंथ्स हुआ, 2 ईयर्स हुआ, तो ये पैसेज ऑफ द टाइम जैसे जैसे हो रहा है, वैसे भी हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू एसेट्स का कम हो रहा है. आप अपने मोबाइल फोन का एग्जांपल ले सकते हो, अब जितना भी महंगा फोन क्यों ना ले लो, उसकी वैल्यू आज जितनी है, आप कुछ साल बाद देखोगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. और इसी बात पे मैंने ये बात आपको इसलिए कही है, ये वाला टर्म समझाने के लिए, ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, आप आज फोन खरीद रहे हो, आप देखोगे उसका एक नया वर्जन आ गया फोन का, तो उस फोन का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसका नया वर्जन आ जाता है, फोन ऑब्सोलेंस हो जाता है फोन का. तो बिकॉज ऑफ द न्यू वर्जन, नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया वर्जन आ गया फोन का, तो भी उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस. ओके, अब तो आप समझ ही रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, अचानक कुछ फायर फ्लड कुछ हो गई, तो हमारा जो एसेट है वो खराब हो गया, तो वो भी एक रीजन हो सकता है. तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या क्या बताया
किसके कारण पहले मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट की वैल्यू गिरना, फॉल इन द वैल्यू। फिर मैंने बताया कि जो फॉल इन द वैल्यू वो किस लिए हो सकते हैं, वियर एंड टेयर ऑफ द एसेट्स, फिर आपका पैसेज ऑफ द टाइम, फिर ऑब्सोलेंस, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इसके वजह से हमारा डेप्रिसिएशन हो सकता है। ओके, तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आप लोग बोलेंगे कि इसका नीड ही क्या था, हमें नीड ही क्या थी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की जो नीड पड़ी वो इसलिए हुआ क्योंकि हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है इससे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमें करेक्ट प्रॉफिट मिलता है। ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे बात बताइए कि आप जो आपका डेप्रिसिएशन है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है मेरा एक्सपेंस, वो खर्चा है एक्सपेंस। तो आप अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हो मतलब आप एक्सपेंस नहीं दिखा रहे हो, और अगर आप एक्सपेंस नहीं दिखा रहे हो तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। बिकॉज एक तरफ हम लोग लिखते हैं इनकम और एक तरफ लिखते हैं हम अपना एक्सपेंस, फिर हमारा आता है प्रॉफिट। तो अगर एक्सपेंस हम अपना डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाएंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ये भी हमारा नीड होता है डेप्रिसिएशन का, आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस होता है ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चले। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू हम दिखा सके। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम एसेट्स दिखाते हैं। आप अगर समझ लो मशीन दिखा रहे हो 1 लाख रुपीज की आपने खरीदा था, कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, लेकिन आप आफ्टर 1 ईयर देखोगे तो जो वैल्यू कम हो रही है तो मेरे को तो वो वैल्यू माइनस करना चाहिए ना, वो वैल्यू कम करके दिखाना चाहिए। तो इसीलिए मेरे को डेप्रिसिएशन की जरूरत है ताकि मैं अपना जो मशीन है मशीन में वैल्यू कम करके डेप्रिसिएशन को माइनस करके फिर जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको दिखा पाए। वो आप तभी दिखा पाओगे अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। तो अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आप मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, फिर मशीन को आप डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाओगे, तब आपका क्या दिखाएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा। तो ये भी रीजन है हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर एसर्टेनिंग द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है उसका एक्यूरेट कॉस्ट है। इसका मतलब क्या है, आप जब कोई भी सामान बना रहे हो, कोई भी गुड्स बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो वन ऑफ द कॉस्ट है। बिकॉज आपको मैंने पहले कहा वो एक्सपेंस है, तो उसको आपको उस खर्चे को उस कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। आप उसका पार्ट अगर बनाओगे तभी तो आप ट्रू कॉस्ट दिखा पाओगे। आपको पता है हम कोई भी सामान जब कोई भी चीज सेल करते हैं पहले हम देखते हैं कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगा है, फिर हम देखते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, फिर मैं सेलिंग प्राइस अपना डिसाइड करती हूँ। तो मुझे ट्रू कॉस्ट चाहिए ना, कॉस्ट, तो उस कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए बिकॉज डेप्रिसिएशन भी एक कॉस्ट है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो ट्रू कॉस्ट नहीं आएगा, ट्रू कॉस्ट नहीं आएगा तो मेरा सेलिंग प्राइस भी गलती निकलेगा, मेरा सेलिंग प्राइस भी सही नहीं आएगा। तो इसीलिए भी हमें क्या है, डेप्रिसिएशन की जरूरत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है, चाहे बोल सकते हो कंपनीज एक्ट, मतलब जो भी कंपनीज एक्ट 2013 बोल सकते हो, इनकम टैक्स लॉ है, सब बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है एज पर द इनकम टैक्स। तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो मतलब आप लीगल भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो वो भी हमारी एक नीड है जिसके कारण हम डेप्रिसिएशन, समझ आया ना आपको। अब आप नहीं बोलोगे कि क्या नीड है, क्यों हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन, तो आप सीख गए हैं। आप फर्स्ट है हमारा करेक्ट प्रॉफिट आए, सेकेंड है हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू, जो बैलेंस शीट में जो एसेट दिख रहा है वो सही दिखे, अगर उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज करके हम दिखाएं, जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है उसके अंदर सारा कॉस्ट है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट सारा फॉलो हो। ओके, चलिए आपको ये होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जो कॉजेज ऑफ द डेप्रिसिएशन क्या है। ये मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन में ही पढ़ाया है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ
कॉजेस मतलब डेप्रिसिएशन होने का रीजन क्या है, तो यूज ऑफ द एसेट्स कॉजेस क्या है, यूज ऑफ द एसेट यूज कर रहे हो तब भी तो डेप्रिसिएशन हो रहा है, यूज नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन नहीं होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। आप अगर एक सामान फर्नीचर ला के रख दो, आप अगर उसको यूज भी नहीं करो फिर भी वो डेप्रिशिएट रखा रखा हो जाता है, आप कंटिन्यूअसली आप उसे अगर रख के रखे हो यूज नहीं कर रहे हो फिर भी वो डेप्रिशिएट तो हो ही रहा है ना, तो यूज ऑफ द एसेट एक रीजन है वैसे। नेक्स्ट पैसेज ऑफ अ टाइम मैंने बताया, बिकॉज टाइम जो है वो पास हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सोलेंस, मैंने बताया न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, एक्सीडेंट हो गया तो भी हमारा एसेट खराब हो गया तो डेप्रिसिएशन हो गया, ये हमारे क्या हो गए कुछ कॉजेस हो गए। नेक्स्ट मेरे को बताइए, ये हमारा है बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो कौन कौन सा फैक्टर जो है वो हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या चीज हमें देखनी पड़ती है। सिंपल में अगर बोले तो हम जब कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन तो उसमें किस किस चीज का यूज आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ऑब्वियसली आप जब डेप्रिसिएशन करोगे कैलकुलेट तो वो तो कॉस्ट पे ही करोगे ना, तो कॉस्ट तो बहुत जरूरी है जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैप वैल्यू, याद रखिएगा स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि आपने आप एक फोन खरीदे हो, फोन आपने खरीदा सपोज 20,000 का, तो आप क्या करते हो 2-3 ईयर्स यूज करके हम क्या करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जब हमारा क्या होता है कभी कुछ ऑफर या कुछ आता है हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि उसे सेल कर दे और उसे रिप्लेस करके न्यू फोन ले ले, तो उसका स्क्रैप वैल्यू हमें कुछ मिलता है ना, तो वो स्क्रैप वैल्यू जो होता है ना वो स्क्रैप वैल्यू ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। डेप्रिसिएशन जब आप निकालते हो तो जिस एसेट पे निकाल रहे हो डेप्रिसिएशन उस एसेट्स को भी लास्ट में अगर आप सेल करो तो आपको कुछ अमाउंट मिल सकता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है कि स्क्रैप वैल्यू की स्क्रैप वैल्यू आपको लास्ट में कितना मिलेगा एसेट का। आप अगर सोचोगे कि कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है मुझे उसका कुछ भी नहीं मिले कुछ भी स्क्रैप नहीं मिले, तो याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि हमें स्क्रैप वैल्यू मिलना ही चाहिए। स्क्रैप वैल्यू अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है मतलब हम ये सोचेंगे कि स्क्रैप वैल्यू इज जीरो, हम जीरो मानेंगे उसे, ठीक है ना। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, फिर हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमें यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, हम कैलकुलेट करते वक्त देखेंगे जो हमारा एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ कितनी, ठीक है ना। ये मैंने जस्ट आपको रीड कराया, आप जब प्रैक्टिकल सम्स करेंगे हम तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड है ये, बहुत आपको काम आएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो, है ना। तो कौन कौन सा है ये मेथड, फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसे हम शॉर्टकट में WDV मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, हम लोग डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट होता है ना, मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ। मैं आपको एक बार बताती हूँ, जब आप प्रैक्टिकली सम्स करोगे ना स्ट्रेट लाइन कंपेरेबल टू WDV इजी रहता है सम्स करने में, इन प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रेट लाइन हम कम यूज करते हैं, हम WDV ज्यादा यूज करते हैं ना। तो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन में वो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे खरीद मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी है 2 लाख रुपीज की, तो हम लोग 2 लाख पे जो डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 साल होने के बाद आफ्टर 1 ईयर मैंने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया, तो एवरी ईयर 10,000 ही हम सेम लगाएंगे, उसीलिए हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है ना। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देती हूँ एक बार। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रेट लाइन का पहले आपको मैं बताती हूँ, जो फर्स्ट वाला था, आपने एक एसेट खरीदा 2 लाख रुपीज का, डेप्रिसिएशन सपोज कैलकुलेट है तो आपका 10% हुआ तो कितना हुआ आपका 20,000, तो आप फर्स्ट ईयर 20,000 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 180,000, फिर आप सेकेंड ईयर क्या करोगे फिर 20,000 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 160,000,
ऐसे करके आप क्या करोगे, हर साल एवरी ईयर आप क्या करोगे, आप एवरी ईयर माइनस करोगे 20,000 रुपीज, ठीक है ना। अब WDV में क्या होता है, WDV में हम क्या करते हैं, WDV में सपोज आपने खरीदा 2 लाख रुपीज में, 2 लाख रुपीज में आपने खरीदा। अब 2 लाख रुपीज में हमने जो खरीदा उसपे फर्स्ट ईयर 20% में 10% हम कर रहे थे ना, 10% में 20,000 आया और आपका आ गया 180,000। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर 20,000 नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एट द रेट ऑफ 20% आप कैलकुलेट करोगे 180,000 पे। तो 180,000 पे आप कैलकुलेट कर लीजिए 20% कितना आता है, वो डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट करके आएगा, फिर आपका वैल्यू आएगा, फिर जो आपका वैल्यू आएगा अगेन आप उसमें 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ऐसे करके आप लास्ट तक करोगे। ये वाला मेथड हो गया हम लोग का WDV मेथड। नेक्स्ट डिफरेंस है इसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इक्वल अमाउंट ऑफ, मैंने आपको बताया ना, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर, हर साल। और इसमें क्या होता है, हमारा जो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ डिमिनिशिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर, जितना भी उसका लाइफ है, जो एसेट है उसका जो डेप्रिसिएशन माइनस की जो वैल्यू आया उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, फिर उसमें आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आया, अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ऐसे करके हम कैलकुलेशन करते हैं। जीरो लेवल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में याद रखिएगा, लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाते लगाते वो जो एसेट है ना वो जीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन जो हमारा WDV है ना उसमें कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, जीरो नहीं होता है। सुटेबिलिटी का मतलब क्या है, सुटेबल मतलब कब सुटेबल होता है, आपका जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो सुटेबल कब होता है, स्ट्रेट लाइन आपका सुटेबल होता है फॉर एग्जांपल पेटेंट जो इंटेंजिबल एसेट्स है, कॉपीराइट्स इंटेंजिबल एसेट्स है, हमारा लैंड और बिल्डिंग, ये सब में क्या होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड वहां सुटेबल होता है जहां पे हमारा कम ऑब्सोलेंस होता है। कम मतलब ऑब्सोलेंस का मतलब नया इन्वेंशन होना, नई चीजें आना, ऐसा कोई चीज जिसमें नया इन्वेंशन नहीं आता या रिपेयर बहुत कम होता है, उस चीज में डिप्रिसिएशन कम होता है, उसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह में ज्यादा कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता है। डिप्रिसिएशन आप वर्ड यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इंटेंजिबल। आप कॉपीराइट एंड पेटेंट के लिए यूज करोगे एमोर्टाइजेशन, बताऊंगी आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड में डिप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है पहला बात तो लैंड में आप डिप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग जब लिखा रहेगा तो हमारा बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन लगता है। लैंड यहाँ पे लिखा है लेकिन लैंड पर डिप्रिसिएशन नहीं होगा, इसको खाली बिल्डिंग ही कंसिडर करिए। अब यहाँ पे क्या होगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में इट इज सुटेबल फॉर द एसेट विच नीड मोर रिपेयर, मतलब बहुत ज्यादा रिपेयर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, आप अगर फैक्ट्री में, आप सोच लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई मशीनरी है फैक्ट्री में, तो वो सारा दिन मशीन चल रही है, मतलब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उसमें आपको WDV ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स। नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो इनकम टैक्स अप्रूव नहीं करती, इनकम टैक्स अप्रूव कौन सा करती है, WDV मेथड, ठीक है ना। होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, एक बार और आप रीड कर लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड का आप याद रखिएगा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब हमें यूज आएगा। या देख लीजिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, इसमें ये एल नहीं है ये सी है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब है कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मतलब ये आपको क्वेश्चन में कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का है, लास्ट में आपको 2,000 रुपीज मिलेगा, सपोज मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसका लाइफ 5 ईयर्स है, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसे हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आती है ना, इसका मतलब हर साल एवरी ईयर आपका इतना डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर आपको रेट कैलकुलेट करना है, बहुत हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो रेट का फॉर्मूला क्या है, जो एनुअल या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका निकल जाएगा रेट ऑफ द, ठीक है ना। ये आप और प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है पढ़ लीजिए,
ऑब्सोलेंस में बार बार आपको बोल रही थी, ये क्या होता है, ये पढ़ाया हुआ पहले भी, जब आपका जो व्हेन अ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट बिकम यूजलेस, काम का नहीं रहता है एंड अनवांटेड ड्यू टू द न्यू इन्वेंशन, नई चीजें आती है तो पुरानी चीजें क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है। एमोर्टाइजेशन मैंने बताया ना आपको, मैं आपको बताऊंगी, एमोर्टाइजेशन होता है आपका इनटेंजिबल एसेट्स में, देखिए जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, याद रखिएगा जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना उसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, उसको हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ये वर्ड आप याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए भी बहुत काम आएगा आपके लिए। जो आपका इनटेंजिबल एसेट्स है लाइक आपकी गुडविल वगैरह, ये इनटेंजिबल हम टच नहीं कर सकते, इसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, इसमें हम एमोर्टाइजेशन लगाते। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत रेलिवेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा, डिप्लीशन का मतलब होता है जब आपकी वैल्यू में कम हो जाती है। किसकी वैल्यू में कम हो जाती है, ऐसे कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमारे माइन, ऑयल वेल, टिम्बर, ट्रीज, फिशिंग, ये कुछ चीजें हैं जब हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम इसे निकालते हैं उस समय कोई कारण की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है, तब हम इसे डिप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप याद रखिएगा। तो ये पहला हम लोग ने पढ़ा डेप्रिसिएशन, ये तीन टर्म होते हैं, डेप्रिसिएशन जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल पे लगता है, एमोर्टाइजेशन हमारे इनटेंजिबल पे लगता है, एंड डिप्लीशन एक वर्ड है जो हमारे डिक्रीज होता है वैल्यू में, किसके, हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यू कम होती है उसको डिप्लीशन। अब खाली ये पॉइंट्स देख लीजिए, मैं आपको फटाफट रीड करा रही हूँ, ये एमसीक्यू के लिए बहुत काम के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ये खर्चा है बट पैसा जाता नहीं है, बिकॉज़ नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट द मार्केट वैल्यू, मार्केट में आपका एसेट्स का दाम बहुत बढ़ गया मुझे कोई मतलब नहीं है, बुक्स में जितना दिख रहा है उसके वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं और कम करते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ फिक्स एसेट्स प्रोवाइड करते, सारे मैंने बताया था सारे फिक्स एसेट्स को डेप्रिसिएशन लगता है लैंड को छोड़ के, एक्सेप्ट लैंड। मेन ऑब्जेक्टिव डेप्रिसिएशन क्या होता है ये पढ़े हैं, टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इवन, अब याद रखिएगा आपका लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, बिजनेस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही होगा, मस्ट। WDV वैल्यू एंड डिमिनिशिंग, याद रखिएगा ये नाम में बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग मेथड, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, बस याद रखिएगा हम लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, होप आपको पता होना चाहिए, ये डिविडेंड का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो खर्चा है ना, खर्चा कम होगा तो हम लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देंगे। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस द वैल्यू ऑफ द एसेट इवन ही बिकम ऑब्सोलेट एंड यूजलेस कैन नॉट बिकम जीरो, मैंने पढ़ाया ना आपको डिफरेंस में, डिमिनिशिंग मेथड में वो जीरो तक नहीं पहुंचता, कुछ वैल्यू बच जाता है। नेट प्रॉफिट कैन बी करेक्टली कैलकुलेटेड, कैनोट होगा, मैंने पढ़ा दिया, अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रू कैलकुलेट नहीं होगा। डिस्कार्डिंग द प्लांट एंड मशीन ड्यू टू द न्यू इन्वेंशन, मैंने पढ़ाया ना आपको टर्म, अगर आप न्यू इन्वेंशन आ गया उसकी वजह से कोई प्लांट एंड मशीनरी को आप रिजेक्ट कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, तो वो उसके टर्म को, नाम को क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस। अब ये बस कुछ याद रख लीजिए और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स एसेट्स, हम पढ़ चुके हैं। एमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, इनटेंजिबल एसेट्स पे, जैसे कि गुडविल, पेटेंट। डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द एसेट पुट टू यूज, याद रखिएगा कब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन, जब हम लोग उसका यूज करना चालू कर दिए, पुट टू यूज व्हाट यूज, याद रखिएगा। डिप्रिसिएशन इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द फिक्स्ड एसेट ओवर द, ये लाइन आप याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। तो डेप्रिसिएशन होता है ना वो क्या होता है, हमारा एलोकेशन ऑफ द, मतलब आपने एक एसेट खरीदा, कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, आप क्या करोगे धीरे धीरे उस कॉस्ट को क्या करोगे, डेप्रिसिएशन करोगे, मीन्स क्या होगा वो कॉस्ट मेरा एलोकेट होता जाएगा ओवर द यूजफुल लाइफ, ये आप लाइन बस याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या, रिपेयर चार्जेस इज एन एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा अगर आप एक मशीन खरीद रहे हो उसमें कोई रिपेयर वगैरह करा रहे हो, वो जो खर्चा है वो हमारा रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, एंड हेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द मशीन अकाउंट, इसको मशीन अकाउंट में, नॉट रिकॉर्डेड इन द मशीन अकाउंट, याद रखिएगा आपने सीखा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, आपने फॉर एग्जाम्पल नया नया मशीन खरीदा है, आप उसे नया नया इंस्टॉल करा रहे हो, तो उस समय आप जो भी खर्चा कर रहे हो आप मशीन अकाउंट में कैपिटलाइज बोलते हैं उसको कर देंगे, मशीन में ही उसके कॉस्ट को ऐड कर देंगे, लेकिन बाद में अगर फिर से कुछ रिपेयर वगैरह हो रहा है दिस इज नॉट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
हमारा खर्चा हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा, मैंने आपको पूरा बेसिक टर्म्स पूरा डेप्रिसिएशन का समझा दिया है, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कुछ सम्स करेंगे डेप्रिसिएशन। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।